नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश दो में और एक गोटे में कोरोना संक्रमण, संक्रमित के संख्या 5 पहुंचल। भारत से सरलाही आयल बालक में कोरोना। देश भर में कोरोना से संक्रमित के संख्या 47 पहुंचल। उदयपुर में और एक गोटे में कोरोना। पड़ोसी देश सबक अवस्था देख कर लॉकडाउन खोलवाक विषय में निर्णय करवाक नेपाल सरकार से स्पष्ट। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच एकीकरण, नया पार्टी के नाम जनता समाजवादी पार्टी। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या बढ़त 1,85,000 के। आब समाचार विस्तार में। भारतक दिल्ली से सरलाही आयल बालक में कोरोना संक्रमण रहल पुष्टि भेल अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में PCR टेस्ट निगेटिव आयल बालकक रिपोर्ट काठमांडू में पॉजिटिव आयल अछि। सरलाही धानकोल गाँव पालिका के 14 वर्षक बालक कोरोना संक्रमित रहल, स्वास्थ्य मंत्रालय सेहो पुष्टि कयलक अछि। बीतल चैत 23 गते दिल्ली से आयल बालकक रैपिड टेस्ट पॉजिटिव अयला बाद और परीक्षण के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में आनल गेल छल। प्रादेशिक अस्पताल में PCR से कोरोना परीक्षण कला पर रिपोर्ट निगेटिव आयल छल। रिपोर्ट शंकास्पद रहला से और परीक्षण के लेल काठमांडू भेजल गेल छल। ओतः रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश दू के प्रशासकीय अधिकृत विजय झा जानकारी देलनि अछि। बालकक रिपोर्ट पॉजिटिव अयला से आ बालक के इलाजक लेल आनबाक प्रशासकीय अधिकृत झा बतौलनि अछि। बालक कोरोना संक्रमित भेटला से बालकक संपर्क में आयल व्यक्ति सभक पहचान करबाक आ घर परिवारक व्यक्ति सहितक समेत कोरोना परीक्षण करबाक ओ बतौलनि अछि। बालक दिल्ली में मजदूरी करैत आयल खुजल अछि। प्रदेश दू में सरलाही के बालक कोरोना संक्रमित भेटला संगे संक्रमित के संख्या 5 पहुँचल अछि। एहिसँ पहिने परसा में 3 गोटे भारतीय नागरिक में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। तहिना अरुधर में सेहो 1 गोटे में कोरोना संक्रमण रहल पुष्टि भेल छल। एम्हर प्रदेश दू में कयल गेल RDT परीक्षण में और 1 गोटे में कोरोना के संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल अछि। प्रदेश दू सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में बृहस्पति दिन मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे देने जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में कयल गेल RDT टेस्ट के क्रम में सरलाही के 58 वर्षक एक पुरुष में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। पछिल्लो 24 घंटा में गरिएको RDT परीक्षण में सरलाही जिला ईश्वरपुर नगरपालिका का 58 वर्षीय पुरुष को रिपोर्ट पॉजिटिव। तहिना प्रदेश दू में अखन धरि 4,186 गोटे के RDT परीक्षण कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन 300 गोटे के RDT परीक्षण कयल गेल सेहो सचिव घिमरे जानकारी देलनि अछि। तहिना आई प्रदेश में अखन धरि 654 गोटे के PCR से स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि, जाहिमे से 45 के रिपोर्ट आब बाकी रहल अछि। मीडिया ब्रीफिंग में प्रदेश सरकार चैत 11 गते बाद प्रदेश दू के भारतीय सीमा नाका से नुका का नेपाल प्रवेश केने सभक तथ्यांक सार्वजनिक कयलक अछि। 8 जिला से अखन धरि 1,140 गोटे नुका का नेपाल प्रवेश केने आ ओकरा सबके क्वारंटाइन में राखल गेल सेहो प्रवक्ता घिमरे जानकारी देलनि अछि। 70 जिला का विभिन्न सीमा नाकाबाट 145 जना, सिरामा 154 जना, धनुषा जिल्लामा 91 जना, महोत्तरी जिल्लामा 150 जना, सर्लाही जिल्लामा 333 जना, रौतहट जिल्लामा 141 जना, बारा जिल्लामा 83 जना र पर्सा जिल्लामा 343 जना व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गरेको बुझिएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको र क्वारेन्टाइनको नियम पालना गर्न गराउन स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि मार्फत अनुगमन समेत भइरहेको जानकारी। तहिना कृषि क्षेत्र में पड़ल समस्या के निराकरण करा प्रदेश दू के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय रैपिड रिस्पॉन्स टीम के सक्रिय बनौलक अछि। एकर संगे कृषक सब के उत्पादन सब बाजार धरि पहुँचाब ज्ञान केन्द्र सब के संपर्क कर अनुरोध कयल गेल अछि। आफूले उत्पादन गरेको कृषि सामग्री बजार सम्म पुर्याउनको लागि 70 र सिरा जिल्ला का हकमा कृषि ज्ञान केन्द्र 70, धनुषा जिल्लाको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाही, बारा जिल्लाका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र बारा, रौतहट जिल्लाका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहट, पर्सा जिल्लाका लागि पर्सा ज्ञान केन्द्र पर्सा र उष्ण प्रदेशीय बागवानी नर्सरी जनकपुर धनुषामा सम्पर्क गर्नुहुन यहाँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी पशुपक्षीतर्फका लागि मत्स्य विकास केन्द्र लाहान सिरा, मत्स्य विकास केन्द्र फतेपुर 70, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र क्रमशः पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र सिरामा सम्पर्क गर्नुहुन समेत हामी अनुरोध।
प्रदेश दू में अखन धर 164 स्थान में क्वारंटाइन के व्यवस्था कैल गल प्रदेश सरकार जानकारी दिलक है। तहना क्वारंटाइन में कुल बेड के संख्या 3600 क्वारंटाइन में 1286 गोटे आ होम क्वारंटाइन में 1861 गोटे अखन रह रहा है। तहना आइसोलेशन में 11 गोटे रहा ओत आइसोलेशन बेड के संख्या 227 रहा। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 47 पहुँचल बृहस्पति दिन से दू गोटे बढ़ला बाद ये संख्या 47 पहुँचल। उदयपुर आ सरलाही के दू गोटे में पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव अला संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 47 पहुँचल जनाल गेल। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेल परीक्षण सब में उदयपुर के 55 वर्षक महिला आ सरलाही धनकौल के 14 वर्षक किशोर में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। ओकर सबक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा जानकारी दिलने छ। पीसीआर विधिबाट गरिएको नमूना परीक्षण में एकजना 55 वर्षीय महिला में पोजिटिव देखिएको छ। त्यसै गरी जनकपुर का 14 वर्षीय पुरुष को पनि पोजिटिव देखिएको छ। आज जम्मा कुल 2 थप संक्रमित को पहिचान भएको छ। यसरी कुल संक्रमित को संख्या 47 पुगेको छ। सबै को स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। घर फर्किनु भएका बाहेक सबै जना उपचारमा हुनुहुन्छ। तहिना बृहस्पति दिन आओर दू गोटे संक्रमित ठीक भाग घर घूरल। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार पाटन अस्पताल में इलाजरत पेप्सी कोला के 58 वर्षक पुरुष आ 81 वर्षक महिला इलाज बाद निक भाग घर घूरल। चैत पहिल सप्ताह बेलाई से घूरल ओकर सबक बैसाख 1 गते रैपिड टेस्ट केला पर कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। वही दिन ओकरा सबके अस्पताल भर्ना कैल गेल। अइ संगे निक भाग घर घूरवला सबक संख्या 9 पहुँचल। अखन धरि नेपाल में पीसीआर विधि से 9199 गोटे के परीक्षण कैल गेल। तहिना आरडीटी विधि से 34523 गोटे के नमूना परीक्षण भेल। प्रवक्ता देवकोटा जानकारी दिलने छ। चाहन्छु आज पाटन अस्पताल में उपचार को क्रम में रहनु भएका पेप्सिकोला का 2 58 वर्षीय पुरुष र 81 वर्षीय महिला निको भएर घर फर्किनु भएको छ, डिस्चार्ज हुनु भएको छ। त्यसरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या अब 9 पुगेको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको जम्मा परीक्षण संख्या 9169 छन्। आरडिटीबाट गरिएको नमूना परीक्षणको संख्या 34523 छ। यसरी दुवै मिलाएर हालसम्म भएको परीक्षणको कुल संख्या 43722 छ। गत 24 घण्टामा 3305 नयाँ टेस्टहरू भएका छन्। पछिल्ला 24 घंटा में 3305 नया परीक्षण भेल। प्रदेश एक में 3592, प्रदेश नंबर दू में 4529 आ बागमती में 6155 परीक्षण कैल गेल। तहिना गंडकी प्रदेश में 4555, प्रदेश नंबर पाँच में 2756, कर्णाली प्रदेश में 4735 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 8201 गोटे के आरटीटी परीक्षण कैल गेल। प्रदेशहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश नंबर एक में 3592, प्रदेश नंबर दुई में 4529, बागमती प्रदेश में 6155, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश में 4555, प्रदेश नंबर पाँच में 2756, कर्णाली प्रदेश में 4735 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 8201 आरडिटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। आजको दिनमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 10573 छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या सम्भावित संक्रमित। अखन देशभर 10573 गोटे क्वारेन्टाइन में रहल अछि। उपत्यका में 4 आ बाहर 82 गोटे क के 86 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। बृहस्पति दिन सार्क राष्ट्र स्तरीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री सभक वीडियो कॉन्फ्रेंस सेहो भेल अछि। कॉन्फ्रेंस में सहभागी राष्ट्र सब अपन अनुभव आदान प्रदान कयने अछि। कॉन्फ्रेंस में COVID-19 नियंत्रण संबंधी सार्क क्षेत्र में भेल क्रियाकलाप सभक समीक्षा आ अगला दिन में अपनाओल जायवला रणनीति के विषय में सेहो परामर्श भेल छल। नेपालक दिस स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री नवराज नेपालक दिस स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री नवराज रावत सहभागी भेल छलथि।
नवगठित जनता समाजवादी पार्टी बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के पुनः जनरल अस्पताल बनाव मांग करते प्रदर्शन कल प्रदेश नंबर 2 के मुख्य कोविड अस्पताल घोषणा कल गल अस्पताल के पार्टी के बीरगंज महानगर कार्य समिति पुनः जनरल अस्पताल कायम कर मांग कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सहभागी जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब सामाजिक दूरी कायम रखते पुनः पहिने जका सेवा सुचारू कर मांग कने महानगर अध्यक्ष लियाकत अली के अगुवाई में भेल प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष राजेश मान सिंह वड़ा नंबर 3 के अध्यक्ष बैजू लाल स्वर्णकार नेता सब बरकतुल नेशा खैरुद्दीन मियाँ कलाम मियाँ लगात के सहभागिता संघ सरकार बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के कोरोना वायरस से संक्रमित के इलाजक लेल प्रदेश 2 के मुख्य अस्पताल के रूप में परिणत कला बाद जनता समाजवादी पार्टी विरोध कने अस्पताल के और बीमार के बीरगंज में रहल नेशनल मेडिकल कॉलेज सरकारी शुल्क में इलाज करवाक सहमति भेल छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद पड़ोसी देश सभक अवस्था देख कर लॉकडाउनक खोलबाक विषय में और निर्णय हेबाक नेपाल सरकार से स्पष्ट। समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच एकीकरण, नया पार्टी के नाम जनता समाजवादी पार्टी। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या बढ़त 1,85,000 के मृत्यु। लंबा लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल विद्यार्थी मजदूर सहित के घर घुराव धनुषा के समाजसेवी आ नेता सब सक्रिय भेल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार देशभर लॉकडाउन जारी कयने अछि, मुदा लॉकडाउन लंबा भेला के कारण विशेष कर काठमांडू में रहते आयल धनुषा सहितक जिला के विद्यार्थी आ मजदूर सब समस्या में पड़ित आयल अछि। एना कर समस्या में पड़ल सबक पीड़ा सुनला बाद नेकपा के नेता रामचंद्र झा आ धनुषा काठमांडू संपर्क मंच के अध्यक्ष किरण कार्की के सहजीकरण तथा समाजसेवी बलराम महतो आ किछ जनप्रतिनिधि सभक सहयोग में हुनका सबके घर घुरल गेल अछि। मंचक अध्यक्ष कार्की के अनुसार लॉकडाउन में फसल करीब 100 गोटे के काठमांडू से धनुषा आनबाक लेल संपूर्ण व्यवस्थापन समाजसेवी तथा निर्माण व्यवसायी महतो से कयल गेल अछि। तहिना अभाव के बीच काठमांडू में रह रहल धनुषावासी के महतो खाद्यान्न सेहो सहयोग कयने अछि। तहिना प्रदेश 2 के सांसद शत्रुघ्न महतो सेहो एकटा बसक भाड़ा सहयोग कयने कार्की जानकारी देलनि अछि। सरकार घोषणा कयने लॉकडाउन के बृहस्पति दिन 1 महीना पूरा भेल अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ला बाद सरकार बीतल चैत 11 गते से लॉकडाउन जारी कयने अछि। चैत 11 गते भिनसर 6 बजे से शुरू भेल लॉकडाउन के समय बेर बढ़ाक बैसाख 15 गते धरि पहुँचाओल गेल अछि। लॉकडाउन में अत्यावश्यक आपास वाहक सवारी वाहक और साधन सब संचालन नहीं भेल अछि। अत्यावश्यक काज वाहक बाहर चलबुल करवला के प्रहरी नियंत्रण में लऽ कऽ किछु समय होल्ड करबाक नीति लेने अछि। ठाम ठाम में प्रहरी चेक जाँच के कड़ाई कयने अछि। लॉकडाउन के समय में सेहो उपत्यका छोड़ कर बाहर जाय वाला के संख्या में कमी आव नहीं सकल अछि। सवारी साधन बंद भेलो पर चल कर गंतव्य जाय वाला सबक संख्या सेहो बढ़त जा रहल अछि। एम्हर सरकार पड़ोसी देश सब में कोरोना वायरस के जोखिम के अवस्था देख कर लॉकडाउन के खोलबाक विषय में निर्णय हेबाक बतौलक अछि। विश्व कोरोना महामारी के रूप में पसरल कोरोना संक्रमण के जोखिम नेपाल में सेहो रहला से लॉकडाउन खोलबाक निर्णय एक पक्षीय रूप में कर नहीं सकबाक सरकार बतौलक अछि। पड़ोसी देश सब में कोरोना नियंत्रण आ जोखिम के अवस्था देख कर लॉकडाउन खोलबाक नहीं खोलबाक विषय में निर्णय हेबाक सरकारक प्रवक्ता सेहो रहल अर्थ तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बतौलने अछि। मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक कर भेल पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता खतिवड़ा नुकाक नेपाल आवे वाला सबक संख्या सेहो नेपाल में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल बतौलने अछि। आन्तरिक आवागमन बन्द गर्यौँ, सिमानाकाहरू बन्द गर्यौँ र कम्प्लिट लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ। हामीले यो जोखिमलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा त हेर्नु छ नि, छिमेकी मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ, जोखिमको अवस्था कस्तो छ, त्यो नहेरिकन हामीले एकपक्षीय ढङ्गले यसमा निर्णय गर्ने स्थिति रहँदैन। किनभने हाम्रो खुला सिमाना छ, खुला सिमानामा आवत जावत भइ नै रहन्छ। धेरै हदसम्म हामीले आवत जावत स्थगित बन्द गरे पनि लुकी छिपी आवाजावत भएको त हामीले भेटेका पनि छौँ। त्यस्तो नभएको भए अहिले सम्भवतः नेपालमा यति 42-43-45 संक्रमित पनि हुने थिएनन् होला। त्यो स्थितिमा हामी नजिकबाट छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो हेर्छौँ।
दोस्रो चाहिँ हाम्रा आफ्नै तयारीहरू, खास गरी चार पाँचवटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ यदि हामीले लकडाउन खोल्ने हो भने। हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका चाहिँ विधिहरू, हाम्रा उपकरणहरू, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू ठिक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ, अलि धेरै चाहिँ विस्फोटै हुने स्थिति भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बेडदेखि लिएर सबै उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्। प्रवक्ता खतिवडा पड़ोसी देश में कोरोना रोकथाम के प्रयास आ नेपाल में स्वास्थ्य इलाजक लेल पूर्व तैयारी, स्वास्थ्य परीक्षण के विधि सब, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मी के अवस्था के ध्यान में रखकर लॉकडाउन खोलबाक बतौलन है। नागरिक सब में कोरोना प्रति चेतना के विकास से प्रभाव पड़त कहत ओ जोखिम मुक्त भेला बाद मात्र खोलबाक निर्णय हेबाक बतौलन है। प्रवक्ता खतिवड़ा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक सबके काज में आबद्ध कर आधारभूत उद्योग विकास निर्माण काज आ किछ सेवा क्षेत्र सब खुला करबाक तैयारी सरकार के ने सेहो जानकारी देलने छौ। हामीले हेरेर अनि हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो र अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अरू क्षतिहरू त हामी फेरि पनि उकास्न सक्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइमा यो कुरा बारम्बार भनिरहनु भएको छ। हामी जीवन रक्षाको लागि लकडाउनको अवधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो गर्नुपर्छ, तर त्यो सँगसँगै केही न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुराहरू र जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता कुराहरू परिपूर्ति गर्नेतर्फ पनि केही सहजता पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसतर्फै हामी अघि बढ्न खोजेका छौँ। बीतल सोम दिन बैसल मंत्री परिषद विसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ दांग जिला के छूट जमीन नाप जांचक लेल संबंधित जिला के नापी कार्यालय सबके खटेबाक निर्णय कयने अछि। तहिना मुस्ताङ आ काभ्रे पलाञ्चोक जिला के जमीन सेहो पुनः नाप जांच करबाक निर्णय सरकार कयने अछि। बैसार विद्युत संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण करण वाला विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृत लेबाक निर्णय सेहो कयने अछि। सड़क बोर्ड संबंधी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। त्यसै गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्ताव नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नाप जाँच एवं मुस्ताङ र काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको जग्गा पुनः नाप जाँच गर्नुपर्ने भएकोले जग्गा नाप जाँच गर्न सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयलाई टोली खटाउने त्यो निर्णय भएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अन्तर्गत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि 77 जिल्लाका प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। विश्व बैंक समूहक अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय भेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आ मालपोत कार्यालय के संगठन संरचना आ दरबंदी स्वीकृत करबाक निर्णय सेहो बैसार कयने अछि। आ फेर सँ व्यावसायिक विश्राम बाद समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच एकीकरण, नया पार्टी के नाम जनता समाजवादी पार्टी। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या बढ़त 1,85,000 पहुँचल। राष्ट्रीय जनता पार्टी आ समाजवादी पार्टी एकीकृत भक बनल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोग में दर्ता भेल अछि। बुधक राति राजपा आ समाजवादी पार्टी बीच एकता भेल छल। एकर संगे बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे बाद निर्वाचन आयोग में जनता समाजवादी पार्टी नेपालक निवेदन दर्ता भेल अछि। दल दर्ता कर राजपा अध्यक्ष मंडल के नेता सब राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, समाजवादी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, राजेंद्र श्रेष्ठ लगायत नेता सब कांतिपथ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुँचल छ। दल दर्ता के लिए निवेदन दिला बाद पत्रकार सब संग बात करते नेता यादव पार्टी एकीकरण भेल जानकारी आयोग के देने बतौलन। ओ पार्टी प्रति असंतुष्टि जनौने कहने इश्तियाक राय आ रेणु यादव के कोनो असंतुष्टि नहीं रहल विज्ञप्ति निकाल चुकल सेहो बतौलन। ओ नया पार्टी के पदाधिकारी गठन करबाक कार्य सेहो जल्दिए तह लगेबाक सेहो बतौलन। ओली जी राम्रो राम्रो सपना देख्नुस् न के फुटाउने जो हुन्छ जुटाउने मिलाउने देश बनाउने सपना देखे होइन उहाँहरू अहिले काममा हुन्छ। सबैजना आएर यहाँ जुलुस निकाल्नु पर्ने जरुरी त छैन होइन। अब उहाँहरूको असन्तुष्टि नै छैन, उहाँहरूको विज्ञप्ति पनि आइसक्यो।
तहिना नेता राजेन्द्र महतो दू पार्टी एक भेल जानकारी निर्वाचन आयोग के करौने आ एकता के बाकी काज लॉकडाउन बाद पूरा करवाक बतौलन। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन कुर्सी के रक्षा के लिए राजपा आ समाजवादी पार्टी के फुटाव कसरत कर रहा ऐसा बचाव अपना सब सफल भेल समेत बतौलन। ओ सरकार लोकतंत्र ऊपर आक्रमण कैने समेत बतौलन। लोकतंत्र विरोधी तानाशाही आ एकदलीय तानाशाह से निरंकुश लाद विधेयक आने आ के तत्काल फिरता कर सरकार के चेतावनी समेत ओ दिलन। ओ देश में समृद्धि सुशासन अधिकार आ पहचान चाहवला हिमाल पहाड़ तराय आ मधेशक जनता मिलकर राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण करबाक अभियान में लागल आ ई अभियान शुरू भ चुकल समेत बतौलन। कमजोर करने पार्टी पद्धति लाई कमजोर करने देश में अस्थिरता निम्त्याने र निरंकुशता एकदलीय व्यवस्था निरंकुशता देश में लादने जो निरंकुशता को विरुद्ध में तत्रो हमी लड़्यौं तो हमी सब मिले तभी हमी सब मिले निरंकुशता को विरुद्ध में ये लामो संघर्ष गये यहाँसम कि तो एमाले र माओवादी पनि तो संघर्ष में शामिल भएको पार्टीहरू त्यसको चाहिँ सरकारले चाहिँ भी प्रतिपक्ष चाहिँदैन चाहिने अब एकदलीय रूप में चाहे जे मन लगे ती संवैधानिक चाहे नियुक्ति करने रे दल लाई फुटाउने रे यस्ता अध्यादेश चाहे रातारात चाहे ल्याउनु भो र फोड्नु पर्ने वहाँ आफ्नो कुर्सी को लागि रक्षा गर्नलाई ल्याएको अध्यादेश राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर चाहिँ यो गर्छु भनेर त्यो चाहिँ त्यो समाचार आएपछि हामी यो एकता प्रक्रियालाई अब त यो चाहिँ राष्ट्रिय समा के अरे समाजवादी पार्टी राजपा भनेको एकीकृत भइरहेको अवस्थामा एकताबद्ध भएर शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा कहाँ फुटाउने कुरा गरे यो प्रधानमन्त्रीले यो सरकारले अनि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइदिनुपर्छ भनेर हिजो राति हामी बसेर राति दुईटै पार्टीका हामी चाहिँ उपलब्ध नेताहरू बसेर एकता प्रक्रियालाई हामी टुङ्ग्याएका छौँ। राजपा र समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नाउँमा हामी एकीकृत भएका छौँ र अब त्यो जानकारी हामी अहिले निर्वाचन आयोगलाई यहाँहरूको अगाडि नै हामी जानकारी दिन आएका छौँ। पार्टी एकीकरणवाद बनल नया पार्टी के झंडा ऐसा पहिने समाजवादी प्रयोग करैत आयल के राखबाक सहमति भेल अछि। तहिना चुनाव चिन्ह राजपा प्रयोग करैत आयल छत्ता रहबाक सहमति सेहो दू पार्टी बीच भेल अछि। तहिना नेता सभक कार्य विभाजन सेहो जल्दिए सहमति में निष्कर्ष लगबाक नेता सब जनौलक अछि। नया दल दर्ता के लेल निवेदन देलो पर कानूनी मान्यता पावा बेसी में 45 दिन लागत। समाजवादी पार्टी के नेता एवं सांसद मोहम्मद इश्तियाक राय अपना कोनो किसिम से पार्टी फुटेबाक गतिविधि में नहीं लागल बतौलन। नेता राय पिछला समय अपना सब पार्टी फुटाव लागल बात हल्ला मात्र भेल बतौलन। पूर्व मंत्री समेत रहल नेता राय अपन पार्टी भीतर किछ विषय में विवाद रहल मुदा पार्टी फुटेबाक खेल में नहीं लागल स्पष्ट कयलन। ओ संचार माध्यम में ई विषय कोना के आयल अपना के जानकारी नहीं भेल समेत बतौलन। ओ संघर्ष कर रहल शक्ति सब एक ठाम में अयनाय खुशी के बात भेल समेत बतौलन। पार्टीमा मत भिन्नता छ, विवादहरू छन्, तर हामीभन्दा बढी विवाद नेकपा काङ्ग्रेस र राजपामा छ र यो विवाद भनेको विभाजन होइन भन्ने चाहिँ मैले प्रश्नै पारेका थिएँ, त्यही कुरा अहिले पनि छ। ओ पार्टी भीतर फरक मत रहले पर विभाजन हेबाक बात नै बुझल जेबाक समेत बतौलन। बड़का पार्टी में और विवाद रहल मीडिया सबके ध्यान नै जेबाक मुदा छोट पार्टी में चाँख बढ़ल आ ऐसा अपना सब ऊपर लागल आरोप दुर्भाग्यपूर्ण भेल बतौलन। मीडिया में 5 दिन पहिला मैले भनेका थिए र न्यूज पनि आएको थियो यो पार्टी विभाजन हल्ला मात्र हो भनेर चाहिँ त्यो आधिकारिकता सहित न्यूज आएको थियो। पछि आएर चाहिँ के कुन हल्लाका आधारमा यो न्यूजहरू चाहिँ डाइभर्ट भएको हो मलाई थाहा छैन, तर अहिले जुन एउटा चाहिँ उत्पीडित वर्ग र समुदायले र आम नेपालीले एउटा देखेको जुन सपना थिए जुन सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ शक्तिहरू थिए एक ठाउँमा चाहिँ यो घटनाले ल्याइदिएको छ एउटा खुसीको खबर हो। यसबाट जनतामा र मेरो मतदातामा र हाम्रो पार्टीका शुभचिन्तक र शुभेच्छुहरूमा झनै उत्साह र चाहिँ ऊर्जा थपिएको छ, यसले थप मद्दत पुर्याउनेछ र सम्पूर्ण चाहिँ उत्पीडित शक्तिहरूलाई एकजुट भएर चाहिँ सघाउन पनि अपिल गर्न चाहन्छु। सरकार आने अध्यादेश के विषय में नेता राय पार्टी सार्वजनिक केने धारणा अपन सेहो धारणा रहल स्पष्ट केने छलथि।
एम्हर नेपाल विद्यार्थी संघ के एक समूह सरकार के विरोध करैत प्रदर्शन कयलक अछि। बृहस्पति दिन नेपाल कॉमर्स कैंपस से निकलल विद्यार्थी के समूह सरकार आने अध्यादेश खारिज के मांग कयने अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा संविधान सदस्य रहल रंजीत कर्ण के अगुवाई में निकलल विद्यार्थी समूह संघीय संसद आगा सड़क में किछु बेर प्रदर्शन कयने छल। प्रदर्शन बाद ओ सब लोकतंत्र के खत्म करबाक उद्देश्य से अध्यादेश आयल कहत सब से विरोध कयल जेबाक बतौने छल। नेपाल विद्यार्थी संघ के ई समूह नियमित रूप में सरकारक विरोध करबाक बतौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 185,461 पहुँचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 26,29,163 पहुँचल। संक्रमित में से 7,30,393 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में बृहस्पति दिन धरि 47,684 गोटे के मृत्यु होल। ओत 8,49,092 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी इटली में 25,085 गोटे के जान गेल। इटली में 187,327 गोटे संक्रमित रहल। तहिना स्पेन में 22,157 गोटे के मृत्यु भेल। फ्रांस में 21,340, बेलायत में 18,100, ईरान में 5,481, बेल्जियम में 6,490 गोटे के मृत्यु भेल। चीन में 4,632 गोटे के मृत्यु भेल। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतकक संख्या 686 पहुँचल। अतः 21,797 गोटे संक्रमित रहल। तहिना पाकिस्तान में 228 गोटे के मृत्यु आ 10,881 गोटे संक्रमित रहल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रदेश दू में और एक गुटे में कोरोना संक्रमण, संक्रमित के संख्या 5 पहुंचल। भारत से सरलाही आयल बालक में कोरोना। देश भर में कोरोना से संक्रमित के संख्या 47 पहुंचल। उदयपुर में और एक गुटे में कोरोना। पड़ोसी देश सभक अवस्था देख कर लॉकडाउन खोलवाक विषय में निर्णय करवाक नेपाल सरकार से स्पष्ट। समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच एकीकरण, नया पार्टी के नाम जनता समाजवादी पार्टी। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या बढ़त 185,000 के मृत्यु। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।